पिछले जुमा हमने अज़मत वालदैन पर गुफ्तगू समाप्त की थी और मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था हम अगला खुतबा जुमा इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ते हुए बयान करेंगे। दुआ है अल्लाह ताला हक गोई की तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद में जगह जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़मत वालिदैन का ज़िक्र किया है और हुस्न इत्तेफाक ये है कि पिछले जुमा और इस जुमा के माबैन जो चंद अय्याम हैं उनमें भी एक दो मौका पर गांव में अज़मत वालिदैन पर गुफ्तगू हो चुकी है और अब मैं बिला तख़ीर एक उन्वान पर कि जो लोग वालदैन की नाफरमानी में ज़िंदगी बसर करते हैं क़ुरान व हदीस में उन लोगों पर क्या क्या वईदें और क्या क्या सज़ाएँ जो हैं वो लागू होती हैं। पिछले जुमे हमने ये सुना था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान की तख़लीक़ का सबब हकीकी है और वालिदैन इंसान की तख़लीक़ के सबब मजाजी हैं, लिहाजा जो सबब हकीकी है वो इस बात का हक रखता है कि उसकी इबादत और बंदगी की जाए और जो सबब मजाजी हैं वो इस बात का हक रखते हैं कि उनकी इताअत और खिदमत गुजारी की जाए। सबब हकीकी और सबब मजाजी यानी बंदगी खुदा की और इताअत वालिदैन की ये लाजिम और मलजूम है। हजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई मौके पर सहाबा ने इस्तफसार किया और हजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा के इस्तफसार पर अपने जवाब इरशाद फरमाया। जैसा कि सही बुखारी में मौजूद है सहाबा का जुर्मट है और हजूर अलैहिस्सलाम उनमें जलवा फरोज थे कि सहाबे कराम अलैहिम रिदवान से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला उनब्बिउकुम बिअखबर अल कबाइर। हजूर ने फरमाया कि सहाबा मैं क्या तुम्हें बड़े बड़े गुनाहों के मुतल्लिक ना बताऊं वो कौन से हैं। अला उनब्बिउकुम बिअखबर अल कबाइर क्या मैं तुम्हें गुनाह कबीरा के मुतल्लिक ना बताऊं कि गुनाह कबीरा कौन से हैं। सलासन हजूर अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया तीन बार फरमाया और हजूर अलैहि सलातो सलाम जो थे वो यूं पीछे थे और जब आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात इरशाद फरमाते तो हजूर आगे हो जाते और बात करके फिर हजूर पीछे हो जाते। तो सहाबा इकराम से जब हजूर ने पूछा तो सहाबा ने क्या कहा कुल ना बला हाँ या रसूलल्लाह बताइए हमें वो गुनाह कौन से हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया मैंने ये हदीसे मुबारकन अपने स्कूल के अंदर एक नोटिस बोर्ड है तो वहां पर लिखवाई ये हदीस मैं मुकम्मल इंशाल्लाह आपको सुनाऊंगा। तो हमारे एक ऑफिसर वहां पे आए तो इस हदीस को उन्होंने जब देखा तो मुझे कहते हैं हमारे जो सर थे उनसे उन्होंने मुझे बुलाकर पूछा कहते हैं ये क्या सही हदीस है। तो फिर मैंने उनको हवाला निकाल कर दिया कि सर ये हदीसें सही है जो यहाँ पर बयान होने वाले गुनाह कबीरा हैं जिनका जिक्र हुजूर फरमाते हैं अपनी ज़ुबान से। तो अब ज़रा सुनिए तो फिर मैं उनकी अगली बात आपको फिर बताऊँगा। चूँकि हदीस की कैटेगरीज है ना जैसे आज सब सुबह बात हो रही थी हमारी कि हमारे खतीब जज्बात में आकर तो मौजू और ज़ईफ हदीस को भी धड़ाधड़ सुनाते हैं। मौजू हदीस वो है जो मन घड़त होती है
और ज़ईफ हदीस वो है जो कमज़ोर होती है सनद में। तो हमें दौरान गुफ्तगू, चाहे मैं हूँ, जैद है, बकर है, उसे दौरान गुफ्तगू जो है वो उन अहदीस का इंतखाब करना चाहिए जो सही हो अपनी सनद में, इत्तेसाल में, सेहत में। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की ये हदीस सही है, और है भी बुखारी में, तो बुखारी का तो नाम ही सही अल बुखारी है, बल्कि उसका पूरा नाम भी मैंने आपको बताया है कि सही बुखारी का मुकम्मल नाम क्या है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया, हुजूर वो गुनाह कबीरा कौन से है, तो हुजूर ने कहा अल इशराक बिल्लाह, पहला गुनाह कबीरा है अल्लाह के साथ शिरक करना। क्या है? यानी किसी को अल्लाह की जात के साथ शरीक कर लेना, ठहराना, ये गुनाह कबीरा है। और फिर हुजूर ने क्या फरमाया, वउकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना। जरा गौर करें, यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत, ये वही उसलूब है जो सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 में अल्लाह ने इख्तियार किया था, वकदा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्या, तुम्हारे रब का फैसला और हुक्म है अल्लाह के अलावा किसी की बंदगी ना करो। और उसके बाद कहा वबिल वालिदैन एहसान, मां बाप से उसने सलूक करो। और यहां पर उस आयत के जिमन में ही समझ लीजिए हजूर वही उसलूब और वही अंदाज बयान करते हुए कहते हैं कि सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर लो। और उसके बाद क्या, वउकूकुल वालिदैन, तुम अपने मां बाप की नाफरमानी करो। हालांकि यहां पर बड़े गुनाह कबीरा का जिक्र हो रहा है, तो शिरक के बाद तो कई और बड़े गुनाह थे उनका जिक्र आता, लेकिन दूसरे नंबर पर हजूर ने उकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी का जिक्र किया। आगे आकद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वकान मुत्तकियन फजलस फकाल अला वकौल उज़्ज़ूर व शहादत उज़्ज़ूर अला वकौल उज़्ज़ूर व शहादत उज़्ज़ूर फमा ज़ाला यकूलुहा हत्ता काल अबू बकरा कुल्तु या ला यस्कुत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक लगाई हुई थी और हजूर टेक छोड़कर आगे हुए, और हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि और भी गुनाह कबीरा सुनो, झूठी बात कहना और झूठी गवाही देना। कितने गुनाह बयान किए हैं हजूर ने इस हदीस में, कितने गुनाह? चार जिक्र हुए हैं। पहले क्या जिक्र हुआ है बोलिए ना जरा, शिर्क नहीं करना। नंबर दो, वालदैन की नाफरमानी। नंबर तीन, वकौल ज़ूर, झूठी बात मत करें। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठे बंदे पर अल्लाह की लानत होती है। और नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला की जात ऐसे बंदों पर लानत नहीं करता, हम उसकी तखलीक हैं, शाहकार हैं। वलकद करमना बनी आदम का हम ताज अपने सर पे रखते हैं, अशरफियत, अफजलियत और अक्रमियत का ताज हमारे सर पे अल्लाह ने रखा है। लेकिन अल्लाह कहता है कि अगर तुम झूठी बात कहते हो तो फिर तुम पर मेरी भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है, और क़यामत तक सब इंसानों की तुम पर लानत है। वकौल अज़्ज़ूर, और चौथा फरमाया वा शहादतुज़्ज़ूर, झूठी गवाही देना। आजकल झूठे गवाह मिल जाते हैं ना हमें बाजारों में, अदालतों में 200 रुपए में भी गवाह मिल जाता होगा मेरे ख्याल में। सुबह किसी और की गवाही, दोपहर किसी और की, शाम को किसी और की। तो झूठी गवाही मत दे। वो कारी सुलेमान साहब एक बड़ी बात करते हैं, अक्सर उनकी तकरीर में होती है कि लोग गवाही बदल लेते हैं पार्टी देख के, गवाहियां पार्टियों की देते हैं कि मेरी पार्टी का बंदा है तो मैं गवाही के लिए खड़ा हो गया हूं। भाई तुम ये देखो क्या सच्चा है कि झूठा है, गवाही सच्चे की दो, झूठे की गवाही देकर अपनी कब्र खराब मत करें। सच बोलें और कभी झूठ ना बोलें, झूठ के करीब भी ना जाएं। तो हुजूर ने चार गुनाह जिक्र किए, तो वो सर कहने लगे, फारूक भाई डिप्टी साहब आए तो ये बात उनसे हुई, तो कहने लगे यार काश हमारे लोग ये हदीस को पूरी तरह से अप्लाई कर ले अपने ऊपर, तो हमारे मुआशरे से आधी बेरहरवी खत्म हो जाएगी। झूठ हर बुराई की जड़ है, और झूठी गवाही अगर ना कोई बंदा दे, सच्ची गवाही देने के लिए खड़ा हो जाए, झूठे गवाह मिलेंगे नहीं तो इंसाफ हो जाएगा।
जब गवाह ही झूठे आ जाएंगे तो भी इंसाफ कहां का रहेगा भाई। तो बहरहाल यहां बुखारी में हुजूर ने फरमाया कि वालिदैन की नाफरमानी और शिरक सबसे बड़ा गुनाह है।